स्वागत आपका एनबीएससी न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखर। भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा की भव्य सफलता के लिए आचार्य हिमानी शास्त्री ने पूरे जयपुर शहर में 108 सुंदरकांड के पाठ करवाने का संकल्प लिया। बता दें कि आज सुंदरकांड के 108 पाठ पूरे हुए और समापन समारोह के साथ भव्य आयोजन भी किया गया। आयोजन वेंकटेश मंदिर JLN मार्ग में किया गया। बता दें सुबह मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री राम के भजनों और रामचरितमानस की चौपाइयों से मंजू शर्मा की जीत के लिए प्रार्थना भी की गई। कार्यक्रम के सह संयोजक विनीत माथुर ने बताया है कि संगीतमय सुंदरकांड कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डॉक्टर कैलाश गर्ग मंदिर प्रबंधन ने बताया है कि युवा पीढ़ी जब तक ऐसे कार्यक्रम से नहीं जुड़ेगी तब तक देश की सही मायने में उनकी तरक्की नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात कार्यक्रम यह रही कि इस कार्यक्रम में युवा पीढ़ी ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। मैं आचार्य हिमानी शास्त्री, 1 अप्रैल को जब मंजू शर्मा जी का नाम सांसद पद के लिए भारतीय जनता पार्टी से अनाउंस किया गया था तब हमने ये संकल्प लिया था कि उनकी भव्य सफलता उन्हें प्राप्त हो और जयपुर को सांसद के रूप में हमारी लाडली बेटी, हमारी सबकी दीदी, वो भव्य सफलता लेकर आए। इसी मनोकामना के निमित्त हमने 108 सुंदरकांड पाठ कराने का संकल्प लिया था। आज उस संकल्प का समापन है। आज 108 सुंदरकांड के पाठ हमने यहाँ समापन किया है और इसी कार्यक्रम में जयपुर की कोने कोने से जनता यहाँ उमड़ के आ रही है क्योंकि सबका प्यार हमें भी मिल रहा है, हमारे इस अनुष्ठान को भी प्राप्त हो रहा है। मैं आचार्य हिमानी शास्त्री। ये जो हमारी टीम लगी हुई है ब्राह्मण देवताओं की, हमारे आचार्य श्री हिमानी शास्त्री जी के माध्यम के द्वारा मंजू शर्मा की विजयी प्राप्ति के लिए 108 सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है जिसका आज का समापन दिवस है, तो हम उनके अग्रिम बधाई के लिए बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं हैं कि भारी मतों से विजय हो, ये हमारी कामना है। पंडित घनश्याम व्यास, एस्ट्रोलॉजर और टैरो का रीडर। हम लोगों ने 108 सुंदरकांड करवाए हैं जिसका कारण ये है कि हम जयपुर में चुनाव आ रहे हैं और सभी की सांसें थमी पड़ी है इस चुनाव को लेकर, और हम बस यही मनोकामना करते हैं कि सही कैंडिडेट आए जो हमारे भारत को, हमारे देश को, हमारे जयपुर को आगे बढ़ाए और हमारा नाम हर जगह बनाए। धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ।